नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल में। दोस्तों, लास्ट मैंने वीडियो में बनाया था पार्ट वन और पार्ट टू, जो कि गोवा से रिलेटेड मैंने बनाया था। पार्ट वन में मेरा जो मैंने इंक्लूडेड किया था कि हमको कितना कॉस्ट लगता है, कितना सब कुछ होता है, वो सब किया था। और पार्ट टू में मैंने बहुत सारी चीज़ें जो हमने घूमी थी वो बताई है। अभी थ्री में हम लोग वो कवर करेंगे जो हमने और उसके आगे घूमी थी। देखिए दोस्तों, ये घर है, ये बहुत सारी बॉलीवुड की मूवीज़ में, पुराने मूवीज़ में और अब की मूवीज़ में भी दिखाया गया है, और यही वो घर है जो दृश्य में भी दिखाया गया है। बहुत सारे चीज़ें हैं यहाँ पर घूमने जैसी। देखिए, ये एक चर्च है, ये कल हो ना हो में भी बताया गया है, और बॉडीगार्ड मूवी में भी बताया गया है, वांटेड मूवी में भी बताया गया है ये चर्च। बहुत सारे बॉलीवुड के जो सॉन्ग्स है वो भी यहाँ पर बहुत सारे शूट हुए हैं, और ये बहुत ज़्यादा फेमस है। मर्द मूवी की शूटिंग भी इसी चर्च से मतलब इसी चर्च के सामने हुई थी, और ये चर्च उस मर्द मूवी में भी बताया गया जो अमिताभ बच्चन जी की मूवी थी। ये चर्च बहुत ही फेमस है दोस्तों। और ये वो एरिया है जहाँ पर मुझसे शादी करोगी मूवी की शूटिंग हुई थी। यहाँ पर बहुत सारे कलरफुल हाउसेस थे, बहुत सारे लोकेशंस थे जो हमको बहुत सारे मूवीज़ में देखने मिले। देखिए दोस्तों, ये अमरीश पुरी जी रहते थे इस घर में, प्रियंका चोपड़ा जी रहती थी, और सलमान खान का घर सामने के जो बिल्डिंग देख रहे हैं आप, इस बिल्डिंग में था, जो कि वो रेंट पे रहते थे ऐसा दिखाया गया था। ये लोकेशन आज भी वैसा ही है जैसा आपने मूवीज़ में देखा था। और हम लोग यहाँ पर आए थे, टू व्हीलर पर आए थे हम लोग, और बहुत सारी लोकेशंस हमने कवर की थी। छः दिन का टूर था जो कि हमने पार्ट वन और पार्ट टू में कवर किया है, और कितना कॉस्ट लगता है वो सब कवर किया है। और बस यही रहेगा कि आप खुद की बाइक ले लो रेंट पे। ये देखिए, ये बाइक हमने ली थी रेंट पे, और खुद की बाइक अगर आप रेंट पे लेते हो तो फिर वो आपको सेफ रहता है, आपको बहुत सारी लोकेशंस घूमने के लिए मिलती है। और ये जो हाउसेस है, इन हाउस का नाम भी है फोनटाइसेस हाउस करके, और इसमें बहुत सारी मूवीज़ शूटिंग की गई है इस एरिया में, इस इन घरों में। और ये घर काफ़ी ज़्यादा कलरफुल है और काफ़ी ज़्यादा अट्रैक्टिव है। आपको ऐसा फील होगा कि आप इंडिया में नहीं हो, आप कहीं इंडिया से बाहर हो। तो बहुत ही ब्यूटीफुल प्लेस था ये हमको देखने के लिए जो मिला था। अब देखिए दोस्तों, व्यू एंजॉय कीजिए, और आगे आपको चर्च भी दिखाई देगी कि वहाँ पर सलमान खान और प्रियंका चोपड़ा की शादी होती थी मुझसे शादी करके में, और गोलमाल की मूवी भी यहाँ पर शूट हुई है। गोलमाल के भी काफ़ी ज़्यादा सीन है यहाँ पर। वो जो गोलमाल मूवी में जो हाउस बताया था वो भी यहीं पे है। ये चर्च और ये लोकेशन आपको नो एंट्री मूवी में भी दिखाई देगा। ये बहुत ही फेमस एरिया है, आप एक बार यहाँ पे गोवा में अगर आते हो तो ये एरिया बिल्कुल मिस मत कीजिए, बहुत ही अच्छा प्लेस है। और यहाँ भी हम लोग कैंडोलिंग बीच पे आए, यहाँ पे गोलमाल के सॉन्ग की शूटिंग हुई थी, रह जा रहे, काफ़ी अच्छा व्यू था दोस्तों। और इसके बाद हम लोग हमारे रिलेटिव्स के घर मिलने के लिए गए थे, और वो ये इस एरिया से काफ़ी ज़्यादा नज़दीक थे वैगेटोर बीच से। देखिए दोस्तों, काफ़ी ब्यूटीफुल हाउस था दोस्तों। हमारे रिलेटिव विष्णु अंकल और अक्का रहती हमारे यहाँ पे, और हम लोग ऐसे ही जैसे उनको मिलने के लिए गए थे कि गोवा में बार बार थोड़ी आना होता है। हेलो दोस्तों, हम अब गोवा के कैंडोलिम बीच पे हैं, साथ में मेरी वाइफ है, ये मेरे पीछे सी है। रात के टाइम में कोई इतना क्लियर नहीं दिखेगा, पर आप समुद्र की लहरें देख सकते हो। और यहाँ पे पार्टी हो रही है, रेस्टोरेंट से बाहर प्लस रेस्टोरेंट है सब, और लोग यहाँ पे बीच साइड डिनर कर रहे हैं। कल हमने भी किया था डिनर यहाँ पे, उसका वीडियो भी आपको हम डालेंगे बहुत जल्द। कल हम लोग हमारे लिटिल जर्नी के लिए निकलने वाले हैं। और दोस्तों, ये हम लोग निकल चुके हैं हमारे रिटर्न जर्नी के लिए, नासिक के लिए। तो दोस्तों, वीडियो को स्किप बिल्कुल मत कीजिए, वीडियो लास्ट तक ज़रूर देखिए। हम यहाँ से जो हमने आपको हमारे पार्ट टू में बताया था कि आप ये रूट से जाना, ये रूट सेफ नहीं है, ये वाला सेफ है। तो दोस्तों, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि अगर आप गोवा जाना चाहते हो या गोवा से अगर आप रिटर्न भी आते हो, तो आप बेस्ट बेस्ट वे आपको रहेगा, अगर आप कोल्हापुर जा रहे हो या पुणे जा रहे हो, तो आपको बेस्ट वे यही रहेगा कि आप जो वहाँ का सबसे फेमस घाट है अंबोली घाट, उस घाट से होकर ही जाइए। तो आपको जब आप गोवा से निकलते हो तो आपको सावंतवाड़ी देखने मिलेगी, आपको सिंधुदुर्ग तक मिलेगा,
और आपको बहुत सारे ब्यूटीफुल नेचर के व्यू देखने मिलेंगे आप अगर इस रूट से जाते हो तो। आपका एक अगर आप एक फ्रेंड की टूर मतलब फ्रेंड्स टूर अगर आप डिसाइड करते हो फ्रेंड्स की, अगर आप ग्रुप टूर जा रहे हो तो बहुत ही अच्छा है, फैमिली टूर जा रहे हो तो भी बहुत अच्छा है, तो ये बेस्ट रहेगा। कपल टूर भी अगर आप जाते हो तो बहुत ही अच्छा है, शूट के लिए भी बहुत अच्छा एरिया है, बहुत अच्छा सीनरी आपको देखना मिलेगा। देखिए दोस्तों कितना ब्यूटीफुल व्यू है, यही व्यू आपको कितने सारे पैसे खर्च करके भी व्यू आपको देखने नहीं मिलेगा। ये सब नेचुरल है, सब नैसर्गिक है। यहाँ पे आपको मंकीज देखने मिलेंगे, आपको व्यू देखना मिलेगा, झरना देखना मिलेगा आपको, जो वहाँ का जो सबसे फेमस वाटरफॉल है जो सह्याद्री पर्वत से होके पूरा गांव में एंटर होता है, वो आपको क्लियरली दिखाई देगा। बहुत ही अच्छा घाट है दोस्तों, देखिए दोस्तों कितना अच्छा व्यू, आप एंजॉय कीजिए दोस्तों और वीडियो को स्किप मत कीजिए, वीडियो पूरा लास्ट तक देखिए, आपको और भी अच्छी अच्छी चीज़ें देखने मिलेगी। हम कोल्हापुर पहुंचने के बाद हम हमारे मासी के घर पे रुके थे और वहाँ से फिर हम महालक्ष्मी मंदिर भी गए थे, तो वो वीडियो भी आपको महालक्ष्मी मंदिर का देखने मिलेगा। तो दोस्तों वीडियो लास्ट तक एंजॉय कीजिए। किसका फोन है देखते हैं, ये अंबोली का धबधबा है वाटरफॉल, देख सकते पहाड़ियों को चीरते हुए पानी आ रहा है, पहाड़ियों को चीरते हुए पानी आ रहा है। अब देख सकते लोग वहाँ पे फोटो सेशन कर रहे हैं, फोटो चल रहा है उनका। और दोस्तों कुछ देर रुकने के बाद हम फिर से निकल पड़े हैं हम कोल्हापुर के लिए, और आपको मैं बता दूं कि ये रास्ता इतना बेस्ट था, इतना सही था रास्ता कि गाड़ी मक्खन जैसे चल रही थी, और ट्रैफिक आपको नहीं मिलता है रास्ते में, गड्ढे नहीं होते, बहुत ही अच्छा रास्ता बनाया हुआ है महाराष्ट्र स्टेट गवर्नमेंट ने, क्योंकि टूरिस्ट प्लेस होने की वजह से ये डेली यूज़ में होने वाला रूट है, इसलिए बहुत ही अच्छा इसको डेवलप किया हुआ है। बस इतना है कि ये रास्ता थोड़ा और वाइड होना चाहिए था तो और भी बेस्ट होता था। तो यहाँ पे ऐसा है कि आपको स्पीड लिमिट 30-40 रखनी है, उसमें ज़्यादा स्पीड नहीं करनी है, नहीं तो एक्सीडेंट के चांस बढ़ जाते हैं। तो दोस्तों हमको गोवा से कोल्हापुर तक हमको इस रूट से हमको लगे थे कंप्लीट 2.5 आवर लगे थे, 2.5 आवर लगे थे, सिर्फ 2.5 घंटे में हम लोग कोल्हापुर पहुँच गए थे गोवा से जब हम निकले थे तब। और हम लोग एकदम आराम से ही गए थे, हमने कोई रश नहीं किया था, आप देख सकते हैं एकदम नॉर्मल स्पीड पे हमारी गाड़ी चल रही है, हमने कोई रश नहीं किया था, सेफली ड्राइव कर रहे थे हम लोग। और घर पहुंचने के बाद हमने रेस्ट किया और इवनिंग में फिर हम लोग महालक्ष्मी मंदिर दर्शन करने के लिए गए, तो दूसरे दिन हम पुणे के लिए निकल गए थे। तो दोस्तों ये वीडियो लास्ट तक देखिए, आपको बहुत सारी सीनरी देखने के लिए मिलेगी दोस्तों। हेलो गाइस, अब हम कोल्हापुर में हैं महालक्ष्मी मंदिर, देख सकते हैं महालक्ष्मी मंदिर। इसे तो अंदर फोटोग्राफी अलाउड नहीं है तो हम लोग बाहर आके फोटोग्राफी कर रहे हैं। सो ये मंदिर का एंट्रेंस है, अच्छा है। चलो तेरे करीब आ रहा हूं लड़का। और दोस्तों कोल्हापुर महालक्ष्मी मंदिर घूमने के बाद हम लोग हमारे रिटर्न जर्नी के लिए निकल चुके हैं कोल्हापुर से नासिक के लिए। तो हमने इस रूट पे भी एक स्टॉप लिया था पुणे में, पुणे में हमारी पूरी फैमिली रहती है, तो मैं मेरे बड़े भैया के पास गया था उनको मिलने के लिए, उनको मिला और उनको मिलने का फिर मैं नासिक के लिए रिटर्न निकला। ये देखिए दोस्तों आप इस रूट से भी अगर आप जाते हो
ये जो कोल्हापुर से पुणे के बीच का रास्ता है बहुत ही ब्यूटीफुल है, नेचर से भरा हुआ रास्ता है और आपको ये काफ़ी सारे ऐसे टनल भी देखने मिलेंगे, बहुत ही ब्यूटीफुल लगता है ये देखने में भी और एक अलग ही फील होता है वो। तो दोस्तों एंजॉय कीजिए वीडियो को लास्ट तक। दोस्तों मेरी वीडियो अगर आपको अच्छी लगे तो मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिए दोस्तों और यूट्यूब चैनल के बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिए दोस्तों, ताकि मैं जब भी वीडियो अपलोड करूँ तो आपको नोटिफिकेशन में पता चल जाए दोस्तों। तो वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों, थैंक यू वेरी मच। मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिए दोस्तों, थैंक यू वेरी मच।